आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन वर्क और पॉइंट के बारे में बताएंगे कि लाइन क्या होती है और पॉइंट क्या होते हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो हमारी होती है, किसी भी प्रकार या किसी भी कंपोनेंट या फिर किसी भी तरह के अगर ड्राइंग हम बनाते हैं तो सबसे पहले लाइन का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें लाइन के बारे में जानकारी नहीं है तो हम किसी भी तरह की ड्राइंग जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकते। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में बताएंगे कंप्लीट लाइन और पॉइंट के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जो लाइन वर्क किया जाता है या फिर कोई भी पॉइंट जो लगाया जाता है वो भी हमें फ्री हैंड बनाने आने चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी लाइनें ऐसी होती हैं जो कि विदाउट स्केल भी हमें लगानी होती हैं। तो नंबर फर्स्ट में हम जानेंगे पॉइंट यानी बिंदु के बारे में। तो प्रिय विद्यार्थियों, बिंदु की जो डेफिनेशन होती है यानी इसकी जो परिभाषा जो होती है, बिंदु जो आपका जो होता है, पॉइंट जो आपका होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई जो मोटाई जो होती है वो बिल्कुल ही मिनिमम यानी बिल्कुल ही कम होती है। मान लीजिए कि हम जनरली यूज करते हैं कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगा दिया इसे, ठीक है ना, ठीक है ना, या फिर हम कहते हैं कि एक डॉट लगा दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एक बिंदु बन गया, ये एक पॉइंट बन गया, ठीक है ना। पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, बिंदु की डेफिनेशन क्या होती है, दो या दो से अधिक रेखाएं जिस स्थान से वो काटती है वो आपका क्या कहलाता है, पॉइंट कहलाता है, वो आपका बिंदु कहलाता है। एग्जाम्पल तौर पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए, सबसे पहले मैंने एक लाइन लगाई, ठीक है, इस लाइन को मैंने दूसरी दिशा से भी इसको काट दिया, उसके बाद में जो स्थान यहाँ पे कटा है वो आपका क्या कहलाता है, पॉइंट कहलाता है यानी बिंदु कहलाता है। उसके बाद में प्रिय विद्यार्थियों क्या है, इस तरह की भी कोई लाइन हो सकती है ऐसे, और इसको हमने इस पे ऐसे काट दिया, ये जो कटा कटेगा यहाँ पे, ये जो पॉइंट यहाँ पे आया हुआ है, ये जो पॉइंट आया हुआ है ये आपका क्या है, पॉइंट है, ठीक है ना, ये आपका बिंदु कहलाया जाता है। उसके बाद में काफी सारा है इसमें, ऐसे भी हम कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, और कोई भी रेखाओं को दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती है, काटने पे जो हमें पॉइंट मिलता है उसे हम पॉइंट कहते हैं, उसे हम बिंदु कहते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, इसकी डेफिनेशन है। तो इस तरह भी हम काट सकते हैं, तो ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे ये भी आपका पॉइंट बन गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, उसको हम पॉइंट बोलते हैं, जो दो या दो से अधिक रेखा एक दूसरे को जब काटती है, जहां से पॉइंट कटेगा उसको हम पॉइंट कहते हैं, उसी को हम बिंदु कहते हैं। तो आइए चलते हैं लाइन के बारे में। तो प्रिय विद्यार्थियों, लाइन किसको कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि एक जो बिंदु है, ठीक है ना, ये डॉट मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया है, ये एक है, एक पथ के ऊपर आगमन करे यानी एक पथ पर आगे बढ़े वो आपकी लाइन कहलाती है, ठीक है ना, ये आपका पॉइंट है, वो एक पथ पे यानी एक रास्ते पे अगर वो आगे बढ़ता है वो आपकी क्या कहलाती है, लाइन कहलाती है। तो ये जो लाइन जो है ये आपकी मुख्य सात प्रकार की होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर इन्हीं लाइनों का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। तो प्रत्येक लाइन को हम समझने की कोशिश करेंगे, और फ्री हैंड भी ये लाइन काफी बार बनानी आती है इंजीनियरिंग ड्राइंग के एग्जाम में। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में यानी सरल रेखा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो सरल जो रेखा क्या होती है कि एक पॉइंट से चलती है, ठीक है ना, दूसरा जो पॉइंट जो आता है कम दूरी के अंदर जो तय करता है जो पॉइंट, उसे हम सरल रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट हमने यहाँ पे लगा दिया, और ये जो एक पथ के ऊपर अपना ये आगमन कर रहा है, ठीक है ना, आगे की तरफ बढ़ रहा है, और ये कम ही दूरी पे बढ़े, कितनी दूरी पे, कम दूरी पे, ज्यादा दूरी पे नहीं, कम दूरी पे बढ़ेगा, वो आपकी सरल रेखा कहलाता है, ठीक है ना। तो इसमें दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि एक पॉइंट, ठीक है ना, ये एक पॉइंट हो गया और ये हो गया दूसरा पॉइंट, अगर ये आपस में मिल जाता है ये भी आपकी एक रेखा कहलाती है, सरल रेखा, ठीक है ना। एक पॉइंट से दूसरा जो पॉइंट होता है उसके जो बीच की जो दूरी होती है उसको मिलाने से जो रेखा बनती है उसे हम सरल रेखा कहते हैं। उसके बाद आते हैं नंबर दो पे,
हॉरिजॉन्टल लाइन यानी अक्षैतिज रेखा। तो प्रिय विद्यार्थियों हॉरिजॉन्टल रेखा कौन सी होती है, अक्षैतिज जो लाइन होती है पृथ्वी का जो ऊपरी जो सिरा जो होता है ठीक है ना, वो आपका हॉरिजॉन्टल अक्षैतिज होता है यानी एक लाइन हो सकती है ठीक है, ऊपर का जो भाग। एग्जाम्पल तौर पर समझने की कोशिश करिए, यानी किसी भी तालाब के अंदर ठीक है ना, तो ऊपर का जो या फिर पानी जहां पे रखा हुआ है अगर हम ऊपर से देखते हैं तो वो आपको क्या लगता है, अक्षैतिज होता है ठीक है ना। अगर हम उसको साइड व्यू से देखेंगे तो आपको एक लाइन नजर आएगी ठीक है ना, एक तरह की लाइन नजर आएगी, यानी जो पड़ी हुई जो रेखाएं होती है वो आपकी अक्षैतिज लाइन होती है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। उसके बाद में समझने की कोशिश करिए प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट हम देखेंगे वर्टिकल ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना देता हूँ ये आपकी कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन समझ गए होंगे आप, जो कि एक पड़ी हुई रेखा है वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हम समझेंगे वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन प्रिय विद्यार्थियों क्या होती है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लंबवत अवस्था के अंदर और 90 डिग्री के जो कोण जो बनाती है वो आपकी वर्टिकल लाइन होती है। तो देखिए ये जो है मैंने लगाई हुई है लाइन यहाँ पे ठीक है ना, इसके ऊपर इस तरह की अगर कोई लाइन खड़ी कर देते हैं ठीक है, तो ये आपकी क्या बन गई है, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का जो कोण जो यहाँ पे बनता है वो आपका बनता है 90 डिग्री का, ये आपको याद रखना है। खड़ी अवस्था में लंबवत अवस्था के अंदर जो लाइन आपको मिलेगी वो आपकी वर्टिकल लाइन होती है ठीक है ना, और पड़ी हुई अवस्था में यानी अक्षैतिज रेखा जो होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। उसके बाद में चलते हैं नंबर 4 पे, इंक्लाइंड लाइन यानी झुकी हुई रेखा। तो प्रिय विद्यार्थियों इंक्लाइंड जो लाइन जो होती है इसका किसी भी तरह का कोई एंगल नहीं होता है, ना वो स्ट्रेट लाइन होती है, ना वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ना ही वो वर्टिकल लाइन होती है। तो किस तरह की लाइनें होती हैं, इस तरह लाइन हो सकती है और ये इस तरह हो सकती है ठीक है ना। तो इस लाइन का आकार आप देखिए किस तरह का है ठीक है ना, तो ना तो ये स्ट्रेट है, सीधी लाइन नहीं है ठीक है ना। सीधी का मतलब क्या है कि भी एक ही पथ पर वो आगे बढ़े, दूसरा ये ना ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ना ही आपकी वर्टिकल लाइन है। उसके बाद में हम चलते हैं नंबर 5 पे, कर्व लाइन यानी घुमावदार रेखा। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए नाम से ही काफी प्रतीत होता है, कर्व का मतलब है घुमावदार। काफी सारी इंजीनियरिंग ऐसे ड्राइंग हम रेडी करते हैं बनाते हैं जिसमें हमें घुमावदार रेखाओं का भी प्रयोग करना होता है। घुमावदार रेखाएं कैसी होती है आपकी, जिसका कोई भी एंगल नहीं होता है ठीक है, तो वो इस आकार की भी हो सकती है ठीक है ना, ऐसी ऐसी भी हो सकती है, दूसरा ये ऐसी इस आकार के अंदर भी हो सकती है ठीक है। तो ये आपकी क्या है, कर्व लाइन है यानी घुमावदार रेखाएं हैं। उसके बाद नंबर 6 पे चलते हैं पैरेलल लाइन यानी समांतर लाइन। तो प्रिय विद्यार्थियों पैरेलल जहां पे नाम आ जाता है या फिर समांतर आता है, दो या दो से अधिक लाइनें हो सकती है ठीक है ना, जो कि दो या दो से अधिक लाइनें एक पॉइंट से स्टार्ट होने के बाद वो आगे जाकर नए मिले ठीक है ना, वो आपकी पैरेलल लाइन होती है। एग्जांपल तौर पे रेल की जो पटड़ी जो होती है आपने देखी होगी कि वो बिल्कुल पैरेलल होती है ठीक है ना, यानी दो या दो से अधिक जो लाइनें होती है वो आगे जाकर नए मिले, पैरेलल ही चलती जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर लाइन बोलते हैं। तो ये भी कई प्रकार की हो सकती है ठीक है ना, लेकिन ये मिलनी नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए ये ऐसे ऐसे ठीक है ना, तो ये ऐसे भी हो सकती है, उसके बाद में पैरेलल का मतलब ये ऐसे पैरेलल भी हो सकते हैं लेकिन मिलनी नहीं चाहिए ठीक है ना, और ये इस आकार की भी हो सकती है। तो ये आपकी पैरेलल लाइन, दो या दो से अधिक रेखाएं हो सकती है, दो लाइन हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, पांच हो सकती है, तो ये क्या थी आपकी पैरेलल लाइन यानी समांतर लाइन। उसके बाद में हम चलते हैं नंबर 7 पे, परपेंडिकुलर लाइन यानी लंब रेखाएं। तो प्रिय विद्यार्थियों परपेंडिकुलर जो लाइन जो होती है इसमें दो रेखाएं जो कि एक समकोण पर एक लंब के रूप में काटती है वो आपकी कौन सी होती है, परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो वो किस तरह होती है, तो देखने की कोशिश समझने की कोशिश करिए, तो देखिए इस तरह ठीक है ना, इस लाइन के ऊपर ठीक है ना, ये आपकी रेफरेंस लाइन है ठीक है ना, इस रेफरेंस लाइन के ऊपर बराबर पैरेलल लाइन ऐसे 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 और ये ऐसे ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे जो एंगल जो बनेगा जो रेखा काटेगी, तो देखिए कैसे रहेगा ये
ऐसे और ऐसे। ये जो एंगल जो बना हुआ है देखिए काफी सारे हैं इसके अंदर, इसके ऊपर जो एंगल जो बने हुए हैं वो आपका 90 डिग्री का होना चाहिए। जिस तरह ये एंगल है और ये एंगल है, ठीक है ना, ये एंगल है, ये कितने डिग्री के है, 90 डिग्री के। तो इस तरह का अगर कोई ग्राफ बनता है यानी वो एक तरह की लंब रेखा है, यानी एक तरह की परपेंडिकुलर लाइन है। तो प्रिय विद्यार्थियों कंप्लीट मैंने आज आपको लाइन और पॉइंट के बारे में बता दिया है। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आएगा। फिर मिलता हूं एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आपको जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।